हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वोटिंग में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी जमकर धजिया। पंचायत चुनाव के प्रथम चरण का मतदान, वोट देने के लिए लगी लंबी लाइनें। पंचायत चुनाव के लिए प्रथम चरण की वोटिंग सोमवार को हुई। इसके साथ सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए, लेकिन यहां सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धजिया उड़ी। वोट देने के लिए ग्रामीणों की लंबी लाइनें लगी और इस दौरान उन्होंने किसी तरह की शारीरिक दूरी नहीं रखी। मतदान केंद्रों पर मतदान व सुरक्षा कर्मी मतदाताओं को समझाते रहे, लेकिन ग्रामीण मतदाताओं ने उनकी समझाइश को दरकिनारे कर दिया। जिले की आऊ, बावड़ी, चामू, देचू, लोहावट, मंडोर, केरू, फलौदी और शिखाला पंचायत समिति में मतदान सुबह 7:30 बजे शुरू हुआ, जो शाम 5:30 तक चला। इस बार कोविड-19 के कारण मतदान का समय ज्यादा रखा। मंगलवार को उप सरपंच के चुनाव होंगे। प्रदेश में पूरी तरह से फैल चुके कोरोना संक्रमण के बीच जोधपुर जिले की 9 पंचायत समितियों की 97 ग्राम पंचायतों में सोमवार को प्रथम चरण की चुनाव प्रक्रिया में वोटिंग हुई। इन पंचायतों में जहां पर निर्विरोध पंच सरपंचों का चुनाव नहीं हो सका, वहां पर मतदान हुआ। हालांकि पुलिस प्रशासन ने कोविड गाइडलाइन के अनुसार मतदान कराने की व्यवस्था कराने के दावे किए, लेकिन हर मतदान केंद्रों पर इन व्यवस्थाओं के दावों की पोल खुलती नजर आई। कहीं पर भी सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड गाइडलाइन की पालना नजर नहीं आई। पोलिंग बूथों पर सुबह से ही मतदाताओं की अच्छी खासी भीड़ उमड़ पड़ी। इनमें कई मतदाता बिना मास्क के भी नजर आए। कोविड के चलते इस बार मतदान केंद्रों की संख्या में भी इजाफा किया गया, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। लेकिन कई स्थानों पर इन नियमों की धज्जियां, विशेषकर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क की अनुपलब्धता और सैनिटाइजर तो अधिकांश बूथ पर नजर नहीं आया। अधिकांश मतदान केंद्रों पर शहरी कार्मिकों को ही चुनाव संपन्न कराने के लिए ड्यूटी पर लगाया गया। अतिरिक्त जिला निर्वाचक अधिकारी व ADM ML नेहरा ने बताया कि जिले में सोमवार को प्रथम चरण में पंचायत समिति आऊ की 4 ग्राम पंचायत, बावड़ी की 32 ग्राम पंचायत, चामू की 1 ग्राम पंचायत, देचू की 4 ग्राम पंचायत, लोहावट की 3, मंडोर की 28, केरू की 22, फलौदी की 2 तथा सिखाला की 1 ग्राम पंचायत में मतदान हुआ। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शीमर की रिपोर्ट।